क्या ये दुनिया रियल है यानी असली है? ऐसी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को जब आप पहली बार सुनोगे तब आपको लगेगा कि कैसा आदमी है ये, दुनिया के होने पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। पर जानते हो, किसी चीज पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना तभी आपको उसका असली आंसर मिलेगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस क्वेश्चन है कि क्या ये दुनिया रियल है। हर चीज पर सवाल लगाने से ही बड़े बड़े डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होते हैं। अगर सर आइजक न्यूटन ने उस दिन पेड़ पे से फल गिरते देख ये न पूछा होता कि ये फल आखिर नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो आज हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में कुछ नहीं पता होता। उस समय जब न्यूटन ने अपने फ्रेंड से इसके बारे में पूछा कि ये फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं, तो उसके फ्रेंड्स हंसने लगे और उन्होंने न्यूटन से कहा कि तू पागल है क्या, नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर जाएगा क्या। बिल्कुल उसी तरह आप भी कहोगे कि क्या मतलब, ये दुनिया नहीं है, ये कैसी बात है, ये दुनिया तो एकदम रियल है और क्या, सारी चीजें तो हमारी आंखों के सामने ही है। आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो ये दुनिया आखिर फेक कैसे हो सकती है? तो भाइयों, रेडी हो जाओ ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए, और जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसे पूरे खुले माइंड और पूरी फोकस के साथ गहराई से सुनना। जब मैं बोलता हूँ कि ये दुनिया फेक है तो इससे आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में शायद कोई और मतलब बने, पर असल बात को सुनो, ये दुनिया है, मतलब द यूनिवर्स एग्जिस्ट्स। ये बात तो सही है, इस बात में कोई शक नहीं, ये दुनिया है। मतलब इस ब्रह्मांड के फेक होने के लिए भी एट द फर्स्ट प्लेस इस दुनिया का होना जरूरी है। मतलब आप इस ब्रह्मांड को एक बॉक्स मानिए जो कि एक कंटेनर है, और बॉक्स के अंदर की चीजों को असली ब्रह्मांड के चांद तारे मानिए। तो बात ये है कि ये बॉक्स तो असली है, मतलब ये कंटेनर और ये ब्रह्मांड तो असली है, पर इस दुनिया के अंदर जो चीजें हैं जैसे ये ग्रह, तारे और चांद, इंसान और जानवर, क्या वो रियल है? आप जो मोबाइल या कंप्यूटर में मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, क्या वो रियल है? मतलब ये दुनिया है, पर इस दुनिया के अंदर की जो चीजें हैं उस पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। आपका मोबाइल या कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि जो स्क्रीन है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स का बना है, जिसे हम पिक्सल्स कहते हैं। वो पिक्सल्स आपस में मिलके काम कर रही है और हर सेकंड अपना कलर चेंज कर रही है, जिसके चलते आपको ऐसा लगता है कि आप स्क्रीन पे मेरी ये वीडियो देख रहे हो। पर ये वीडियो क्या है? ये तो सिर्फ पिक्सल्स का कमाल है। जो आप मोबाइल पे मूवीज देखते हो वो एकदम रियल लगती है, पर वो है क्या? सिंपली वो पिक्सल्स का डांस का कमाल है। वो स्क्रीन और वो जो बत्ती यानी पिक्सल्स होती है वो असली है, पर जो सीन दिख रहा होता है वो तो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। पिक्सल्स ऐसे बिहेव करती है कि आपको लगता है कि आप कोई सीन देख रहे हो, पर रियलिटी में सिर्फ वो स्क्रीन की पिक्सल्स असली है और जो दिख रही है वो फेक है, क्योंकि अगर पिक्सल्स नहीं तो वो वीडियो भी नहीं। तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को इस ब्रह्मांड में लगाएं तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। इसे मैट्रिक्स या फिर सिमुलेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये दुनिया भी किसी कंप्यूटर से डिजाइन की गई है, और इस बात को जब आप गहराई से देखोगे तब आपको ये बात बिल्कुल सच लगेगी। आपने साइंस में ये जरूर पढ़ा होगा कि इस दुनिया में मौजूद हर चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बनी है। तो सारी की सारी चीजें बेसिकली इन्हीं तीन चीजों से बनी है, और जिस तरह हमने पिक्सल्स की बात की उसी तरह इन तीनों चीजों को आप पिक्सल्स मान सकते हो। मतलब पिक्सल्स के रंग बदलने के डांस के चलते आपको ऐसा लगता है कि आप कोई वीडियो देख रहे हो। बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया में एटम्स की जो मूवमेंट है, सारी चीजें तो वहीं से शुरू हो रही है। आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो क्या है? वो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स का कमाल है। दिमाग में जो न्यूरॉन्स के बीच में फायरिंग हो रही है उसी के चलते आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। तो अगर डीप में देखें तो आपके ब्रेन का जो न्यूरॉन है वो भी तो एटम्स की बनी है। तो देखा जाए तो वो एटम्स का जो डांस है उसी के चलते आपके दिमाग में फायरिंग हो रही है, और उसी के चलते आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, और दुनिया में आप कुछ भी उठा लो वो इन्हीं तीनों चीजों से बनी है। मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी है वो एटम्स है। मतलब इन एटम्स की कलेक्शन
आपको इस दुनिया के रूप में दिखती है, पर है तो ये एटम्स ही। मतलब रियलिटी सिर्फ एटम है और जो दिख रहा है वो सब इल्यूजन है। मतलब फंडामेंटल लेवल में सिर्फ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, या फिर शायद एटम से कोई छोटी चीज है तो वो एग्जिस्ट करती है। ऐसी बात नहीं है कि एटम से छोटी चीजें नहीं है, क्वार्क्स और कई पार्टिकल्स हैं जो एटम से भी छोटी होती है, पर साइंस आज तक उन पार्टिकल्स को डिटेल में स्टडी नहीं कर पाई है, इसलिए मैं उसे अभी कंसीडर नहीं करूंगा। पर इन पिक्सल्स यानी कि एटम्स को आखिर किसने बनाया है? इसका कोई क्रिएटर तो होना चाहिए। इसकी प्रोग्रामिंग आखिर किसने की है? जी हाँ, मैंने प्रोग्रामिंग कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कंप्यूटर वर्ल्ड में जी रहे हो? अगर आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर या हैकर हो और कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग और कोडिंग जानते हो, तब आप मेरी बातों को आसानी से समझ जाओगे। जो कंप्यूटर गेम्स होते हैं वो अपने अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया होती है। वो एक ऐसी दुनिया है जिसे गेम कोडर्स मिलके तैयार करते हैं। वो दुनिया कितनी रियल लगती है, पर क्या वो रियल है? ऑफ कोर्स नहीं, वो तो सिर्फ प्रोग्रामिंग से बनाया गया एक वर्चुअल दुनिया है। तो जो ये मैट्रिक्स या सिमुलेशन कॉन्सेप्ट है वो यही कहती है कि ये दुनिया भी एक कंप्यूटर गेम है और कंप्यूटर सिमुलेशन है। पर मैं अगर मेन बात पे आऊं, तो अगर ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है तो इसे बनाने वाला भी कोई होना चाहिए, राइट? शायद इसके पीछे एक इंटेलिजेंट माइंड का हाथ है। अब आप ही सोचो, मतलब ये कितना अमेजिंग है। आपकी धड़कन चल रही है, आपके शरीर में खून दौड़ रहा है, धरती घूम रही है, ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। पर इन सब चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई? कोई तो ऐसा पहला फोर्स होगा जो इस दुनिया के सबसे पहले एटम को बनाया होगा। देखो, इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपसे ही शुरुआत करता हूँ। आप हो, ओके? आप यहाँ पे कैसे आए हो? इसका आंसर है आपके मॉम डैड ने आपको जन्म दिया। आपके मॉम डैड कहाँ से आए? आपके मॉम डैड आपके पूर्वजों के चलते आए। आपके पूर्वज कहाँ से आए? एंशियंट ह्यूमन टाइम से ही आपके पूर्वज इवॉल्व हुए। ये इवॉल्व कैसे हुई? क्योंकि इस धरती पे ऐसी कंडीशन बनी। ये धरती कैसे आई? ये धरती हमारे सौर मंडल के फॉर्मेशन के चलते आई। ये सौर मंडल कहाँ से आया? धीरे धीरे जब स्टार्स और प्लैनेट्स की मात्रा बढ़ी तो वो आपस में मिलके एक स्पाइरल का रूप ले लिए, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, और उस गैलेक्सी के अंदर एक सौर मंडल फॉर्म हो गया। तो ये गैलेक्सी के तारे बनना कहाँ से शुरू हुई? वो तब बनना शुरू हुई जब इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। अब ये ब्रह्मांड कैसे और क्यों शुरू हुआ? बस यही वो क्वेश्चन है जहाँ पे आके हम अटक जाते हैं। इसके पीछे क्या हुआ था ये कोई नहीं जान सकता। जो लोग इस मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं उनके पास एक थ्योरी है, और वो ये मानते हैं कि इस दुनिया को जो प्रोग्राम किया है वो ऐसे पैरामीटर सेट करके रखा है जिसे हम इसके बियॉन्ड क्या है उसे हम जान नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया की प्रोग्रामिंग उसे अलाउ ही नहीं करती। उन लोगों के पास एक और थ्योरी भी है जो ये कहती है कि इस वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग कोई और नहीं बल्कि आपका माइंड करता है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स की मदद से इस दुनिया के कोड्स को आप बदल सकते हो और हैक भी कर सकते हो। मैंने कई वीडियोस में बताया था ना कि अगर आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहोगे तो वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों आपको मिल ही जाएगी। तो उसे ही आप सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हैकिंग कह सकते हो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू होता है। ये दुनिया कैसी है ये आपके माइंड पे डिपेंडेंट है। मतलब कुछ भी फंडामेंटल नहीं है। जो किसी एक इंसान के लिए सही है वो किसी दूसरे इंसान के लिए गलत भी हो सकता है। जो चीज किसी इंसान ए के लिए सही है वो शायद बी के लिए गलत हो। जैसे मान लीजिए आपको NFS मोस्ट वांटेड रेसिंग गेम बहुत पसंद है, पर आपका एक दोस्त उस गेम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उसे कोई और गेम पसंद है। तो देखा जाए तो फंडामेंटली क्या NFS मोस्ट वांटेड अच्छा गेम है? इसका आंसर असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसान की दिमाग की माइंडसेट कैसी है वो उस पर डिपेंड करता है कि कोई पर्टिकुलर चीज उस पर्टिकुलर इंसान को पसंद आएगी या नहीं। इसे आपका माइंड कहेगा कि वाह क्या गेम है, पर आपका दोस्त शायद कहे कि क्या फालतू गेम है, तुझे कैसे मस्त लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब वो गेम अच्छा है या खराब ये उस पर्सन के
माइंड के थॉट्स पे डिपेंड करता है। मतलब आप किसी चीज को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हो। बचपन से आप जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हो उसी पे ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की चीजें पसंद है और किस तरह की चीजें नापसंद। तो आप इससे समझ ही सकते हो कि ये लाइफ आपके साथ कैसे गेम खेल रही है। लाइफ खुद एक गेम है। शायद अभी कुछ ही लोगों को इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है और कुछ ही लोग इस मैट्रिक्स वाले थ्योरी पे मानते हैं, पर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे शायद हम इस दुनिया के सीक्रेट्स को जान पाएंगे। जिस तरह किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या गेम में ग्लिच होते हैं, उसी तरह शायद इस दुनिया में भी बहुत सारे ग्लिच मौजूद हैं, बहुत सारे बग्स मौजूद हैं। जैसे देखना, कभी कभी क्या होने वाला है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। पर्सनली बात करूं तो मुझे ऐसे बहुत सारे सपने आए हैं जिसमें मुझे कोई घटना दिखती है और अगले दिन वही घटना सच में हो जाती है। ये माइंड की ग्लिच नहीं है तो और क्या है? तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा ड्रीम देखा है, या क्या आपने कभी इस गेम जिसे हम लाइफ कहते हैं इसमें कभी ग्लिच को एक्सपीरियंस किया है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को ऑन कर देना ताकि नए वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं।